हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द अर्बन स्टोरी, जहां हम बात करते हैं ऑल अबाउट होम डेकोर, लाइफस्टाइल, फैशन, डीआईवाईज एंड मच मोर। सो मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों के साथ अपना लिविंग रूम टूर शेयर किया था और उसमें मैंने एक अपसाइकल बॉटल को यूज़ किया था एज अ डेकोर एलिमेंट। एंड एज प्रॉमिस टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल प्रोसेस वीडियो ऑफ हाउ आई अपसाइकल ग्लास बॉटल्स। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक ग्लास बॉटल। आप किसी भी साइज़ और शेप की बॉटल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, ग्रीन चॉक पेंट यूज़ किया है विच इज़ इन द शेड वाइल्ड वासाबी। आप इंश्योर कीजिए कि आप इस DIY के लिए चॉक पेंट्स का ही यूज़ करें। ब्लैक एक्रेलिक कलर लिया है, मैट फिनिश में डेकोर वार्निश लिए। ये सारे मटेरियल्स मैंने इट्सी बिट्सी से परचेज़ किए थे। कुछ स्पॉन ब्रशेज लिए हैं, एक फ़ैन ब्रश लिया है, फेविकोल लिया है और उसके अलावा एक सीजर्स ली है और कुछ यहाँ पे मैंने स्टेंसिल्स यूज़ किए। ये अगेन मैंने इट्सी बिट्सी से परचेज़ किए थे और मैंने यहाँ पे कुछ जूट रोप भी यूज़ की है। सो फर्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे जो वाइट एक्रेलिक कलर है उसको एक प्लेट पे ले लिया है और अब मैं स्पॉन्ज की हेल्प से हल्के हल्के से डैप करके इसे पूरी बॉटल पे स्प्रेड करूँगी कुछ इस तरह से। सो वाइट कलर को एज अ बेस कोट यूज़ करने से इसके ऊपर हम जो भी कलर यूज़ करते हैं वो बहुत ही अच्छे से खिल के आता है। इसलिए आप इंश्योर कीजिए कि वाइट कलर को ज़रूर यूज़ करें एज अ बेस कोट। आप चाहे तो एक से दो कोट कर सकते हैं और मैंने भी यहाँ वाइट एक्रेलिक कलर के बेस कोट में दो कोट किए हैं। सो बेस कोट ड्राई हो जाने के बाद यहाँ पे हम अपना टॉप कोट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का चॉक पेंट यूज़ किया है। आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग कोई भी कलर का चॉक पेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम पहले की ही तरह स्पॉन्ज की हेल्प से धीरे धीरे अप्लाई करेंगे और इसमें भी आप एक से ज़्यादा कोट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। टॉप कोट को एक अच्छे फिनिश देने के लिए मैंने भी यहाँ ग्रीन चॉक पेंट के 2 से 3 कोट किए हैं। सो ड्राई होने के बाद ये बॉटल कुछ इस तरह से दिख रही है और अब हम इस पर अपनी डिज़ाइन बनाएंगे। सो मैंने यहाँ पे लीव्स वाला स्टेंसिल लिया है और इसको प्लेस करके मैं इसकी पोजीशन डिसाइड कर लूँगी। अगर आपको लगता है कि आप फ्री हैंड ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट स्टेंसिल से मुझे लगता है ज़्यादा क्लैरिटी आती है। हम टेप की हेल्प से अपने स्टेंसिल को अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद ब्लैक एक्रेलिक पेंट को ड्राई ब्रश की हेल्प से स्टेंसिल के ऊपर अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे स्पॉन्ज का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि ड्राई ब्रश की हेल्प से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी डिज़ाइन में, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राई ब्रश का यूज़ किया है। सो ब्लैक पेंट ड्राई हो जाने के बाद हमारी बॉटल कुछ इस तरह से दिख रही है। अगेन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी कलर से और किसी भी तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। सो बॉटल को और ज़्यादा क्लीन एंड फिनिश लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे जूट ट्विन का यूज़ किया है, जिसे मैंने बॉटल के नैरो पोर्शन पे इस तरह से रैप किया। अगेन दिस स्टेप इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल और आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। जूट ट्विन को फेविकोल की हेल्प से अच्छी तरह से स्टिक करने के बाद ये बॉटल हमारी कुछ इस तरह से दिख रही थी। और अब आते हैं हम अपने फाइनल स्टेप पे, विच इज़ अप्लाइंग अ डेकोर वार्निश। सो गाइज, वार्निश अप्लाई करना किसी भी DIY के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपने ग्लास या वुड सर्फेस पे पेंट करके कोई DIY बनाया है या फिर डीकूपेज की हेल्प से कोई DIY बनाया है। सो डेकोर वार्निश अप्लाई करने से हमारी DIY की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। आप चाहे तो इसको स्पॉन्ज या फैन ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। डेकोर वार्निश में एक ग्लॉसी वेरिएंट भी आता है, तो आप मैट फिनिश की जगह उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस अपसाइकल बॉटल को सिंपली यूज़ कर सकते हैं एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट और अ शोपीस ऑन योर सेंटर टेबल और योर कंसोल टेबल। आप इसमें फ्लावर्स ऐड करके इसको एज अ वास भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मनी प्लांट की क्लिपिंग्स लगाइए एंड यू आर जस्ट गुड टू गो।
आप इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट शेप्स, साइज, कलर्स एंड डिज़ाइंस की बॉटल बना सकते हैं, जैसे मैंने ये ब्लू कलर की बॉटल बनाई है। गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स।